हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पटना यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस रिजल्ट बहुत जल्द आ रही है। कब तक आ रही है मैं इसके बारे में बताऊंगा, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स, आप सभी को लगता होगा कि ये वीडियो मैं अपने मन से बना रहा हूं, अपने मन से अनुमान लगा बता रहा हूं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आज एक बैठक हुई थी जिसमें कि बिहार के राज्यपाल और बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है सारे के कुलपति जो है आज बैठक में शामिल हुए थे, उसमें ये डिसीजन लिया गया था, तो मैं उसके आधार पे बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यूज आई कि जुलाई से सभी विश्वविद्यालय शुरू करे नया सत्र। ये राज्यपाल का जो बैठक हुई थी राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को निर्देश दिए हैं कि जुलाई से सभी विश्वविद्यालय नया सत्र शुरू कर दे। जिस प्रकार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का नया सत्र जो है 15 जुलाई से चालू होने वाली है और उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन भी लगभग खत्म होने वाली है। 18 तारीख को लगभग मेरिट लिस्ट की एडमिशन खत्म हो जाएगी, उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट निकाल के सारा का एडमिशन करके 15 जुलाई से उसको नया सत्र चालू कर देना है। उसी तरह से फ्रेंड्स, पटना यूनिवर्सिटी को भी जुलाई से ही नया सत्र चालू करना है। तो जैसे ही EWS वाले फॉर्म की सब फॉर्म भरने की तिथि समाप्त होती है, आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा। कब तक आ सकती है? तो फ्रेंड्स, 18 को खत्म होगी तो 20-21 तक में आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ सकती है पटना यूनिवर्सिटी का। उसके बाद आप लोगों का एडमिशन चालू हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आपका उसके बाद 10 दिन हो सकता है आपका एडमिशन चले और उसके बाद फिर जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट है, लेकिन उसको भी जुलाई में ही नया सत्र चालू कर देना है। तो एक प्रकार से कहे तो राज्यपाल ने है पटना यूनिवर्सिटी और बिहार के सारे यूनिवर्सिटी के जिसका सेशन लेट चल रहा है उन सभी को फटकार लगाई है और बोली है कि जुलाई से सभी विश्वविद्यालय शुरू करें नया सत्र। जो भी परेशानी आ रही है जल्दी निपटे क्योंकि ये छात्र के भविष्य का सवाल है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।